सीएम विष्णुदेव साय ने बुलाई इमरजेंसी बैठक। दरअसल ट्रक और बस चालकों की हड़ताल ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। राज्य के अधिकांश शहरों में पेट्रोल डीजल का संकट खड़ा हो गया है। अधिकांश पेट्रोल पंप में ईंधन खत्म हो गया। कुछ एक पंपों में जहां पेट्रोल डीजल है वहां लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। इस बीच ट्रक वालों की हड़ताल के कारण आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर भी संकट मंडराने लगा, जहां सब्जी और दूध की आपूर्ति भी प्रभावित हुई। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आपात बैठक बुलाई है। इस बीच अफसरों ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ट्रक चालकों की हड़ताल को देखते हुए आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति प्रदेश से संभागयुक्त पुलिस महानिरीक्षक कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक लेंगे। इस बीच राजनांदगांव में पुलिस की सुरक्षा के बीच पेट्रोल पंपों में ईंधन पहुंचाया जा रहा है। वहीं बिलासपुर जिले में भी पेट्रोल डीजल को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया। बता दें कि देश भर में हिट एंड रन कानून को लेकर ट्रक और बस ड्राइवरों ने हड़ताल कर रखी है। हड़ताल का असर अब हर जगह देखने को मिल रहा है। सब्जी मार्केट हो या पेट्रोल पंप, ट्रक नहीं चलने से मार्केट में सब्जियां भी नहीं आ रही। इस बीच पेट्रोल पंप में पेट्रोल डीजल की सप्लाई भी ठप है। बस स्टैंड में बस नहीं चलने से यात्री परेशान है। इन सब के बीच बिलासपुर से एक वीडियो सामने आया है, जहां वीडियो में पेट्रोल कर्मचारी और ग्राहक के बीच मारपीट हो रही है। दावा किया जा रहा है कि जल्दी पेट्रोल भरवाने के चक्कर में दोनों के बीच मारपीट हुई है। आखिर कब तक लोगों को झेलना पड़ेगा ये मुसीबत, या फिर सरकार लेगी जल्द कोई फैसला? फिलहाल इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और अपडेट के लिए वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही चैनल पर नए हो तो फौरन CG36 न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरह की हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचे। ओके, मिलते हैं नई जानकारियों के साथ नेक्स्ट अपडेट में।